नमस्कार मुमलिन स्वागत करुच्ची आपणको मो चैनल स्वादर ओडिसा को। आज आम प्रस्तुत करवा कस्टर्ड मलाई केक्, जोटा कि मु गोटे सिक्रेट जिनस को लेकिन ये केक टी प्रस्तुत करके देखेबी। आदि आपन को ये रेसीपीटी देखला भल लगे तो आपको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मान सहित सेयार करेंगे। मो चैनल नुआ थे आप सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलेंगे। तो चलते देखा ये रेसीपी। गोटे पेन नहीं जाइए, ए हाफ लिटर क्षीर देद। आपणसी मलाई आइटम प्रस्तुत पाई क्षीरटा सब क्रीमी वाला क्षीर ने तो आम प्रथम क्षीर को भल भाव फुटे ना। क्षीर को फुटे समय आप स्पैचुला हो कि चामच हो आप गोल चलिए, जमा भी लगवाक देवे ना, कारण क्षीर जो मलाई अंशा तले लगे। मुझे दुई चामच रिनी एड कर मीठा आपणसार एड करेंगे। तापर एठी सुंदर फ्लेवर आसापी मुझे केसर एड करसर ना तो आप केसर टाक स्किप करें। देखते तो कते सुंदर कलर भी आसीगला केसर एड कला क्षीरटा भी टिके ठीक हो गला। आम टे सीम करदे लो फ्लेम रे ही रखा। रखला मुठी तीन बड़ चमच क्षीर बाहर कर कस्टर्ड पाउडर एड करवा। प्रथम मुझे गोटे चामच कस्टर्ड पाउडर एड करके भल भाव गोलाऊँ जोटा कि लम्स जमा भी रही। पुणी आउ गोटे चामच तो टोटल मुझे दुई चामच कस्टर्ड पाउडर ही यूज करी। आपण प्रथम कस्टर्ड पाउडर को गोल क्षीर से धीरे धीरे एड करेंगे। आई समय आपण गोल चालू रखिए। ये आम देखु मु लो मीडियम फ्लेम रे ही रखी कंटिन्यू गोल चलती, कारण तल लगे मलाईटार टेस्ट बहुत खराब आसो। आज मलाईटा को आउट के रिच करने मुझे मिल्क क्रीम तीन चामच एड कर चाहिए भी अधिक एड करें, कारण क्रीमटा यूज कलापर आपणकर मलाईटा अधिक टेस्ट लगे। ये मलाई प्रस्तुत हो गला। चलत आम सुगर सिरप प्रस्तुत कर ना, से मुझे किसी पा गरम हाँपाई रखी। पा फुटिगला दुई चमच चीनी नहीं फुटला पा को ये चीनी रे गोल सुगर सिरप प्रस्तुत कर ना। भल भाव गोल फुटला पा आम चीनी को मेल्ट कर ना। देखो जो मलाई प्रस्तुत करी टे ग्राइंड कर नौ। आप चाहिए डायरेक्ट भी एमती आप मलाई केक रे भी यूज करें। तो मुझे ग्राइंड कर रिजिन है यहाँ को आप ग्राइंड कर सारापर जो आप फ्रिजिंग करेंगे केक प्रस्तुत कर सारिक तार लुकटा कम्प्लीटली डिफरेन्ट आसो। देखु केते प्लेन हो गला यहाँ। तापरे चलत तो आम प्रस्तुत कर ना। प्रथम मुठी दुई चामच क्रीम दे दूची। आपण जेकोसी पात्र नहीं पारे। मुठी गोटे ट्रायंगल ग्लास कंटेनर ही यूज करा मो सीक्रेट इनग्रीडियंट जोटा कि ब्रेड रे आम कस्टर्ड मलाई केक को प्रस्तुत करवा। देखु मुझे तीनोटी लेयर रो केकटा प्रस्तुत करी। गोटे लेयर पर मोर तीन पीस ब्रेड दरकार हो मन रखिए। दि पीस कम्प्लीट अच्छी आ गोटे पीस को मुझे हाफ हाफ करी काटी नहीं। सुगर सिरप दे दूँ कारण ब्रेड गुड़िक न भिजिले भर को तो जीवनी। तापर मुठी आगे सुंदर टेस्ट आसापी दुई रु तीन चामच दे दूँ क्रीम। तापर एक भल भाव टिके मसाज कर ना ब्रेड रे। तापर मुठी जो प्रिपेयर कर रखी मलाई से मलाईटा को मु
गोटे घंटा पाई फ्रीजिंग कर दे थी तापरे मु बाहर करके आने के इतने ऐड करो ची देखो तू बोल बाबरे हमें दे दो बा बोल बाबरे इटे मलाई ऐड कला परे अपन अपन को चॉइस अनुसारे ड्राई फ्रूट्स ऐड करिवे मन रखिबे अपन पिस्ता आलमंड किंबा चेरी ए सब जिन से ऐड करले टेस्ट सहित गार्निशिंग परे यार लुक भी बहुत सुंदर आसे तो से सब ड्राई फ्रूट्स यूज करुच्छे सेम प्रोसेस रे आमे सेकंड लेयर को भी कंप्लीट करिबा देखंतु पुणी मु ब्रेड दे दोची तापरे पुणी सुगर सिरप दे दोची तो सेम प्रोसेस रे आमे सेकंड लेयर भी कंप्लीट करिबा क्रीम दे देली आपण ये जो कस्टर्ड मलाई केक को प्रस्तुत करके थरे घरे ट्राए कला पर मते कमेंट बॉक्स रे निश्चित जणेबे कारण एटा बहुत कम समय भीतर प्रस्तुत हुए आउ यार टेस्ट पूरा लाजवाब बहुत सुंदर आसे यार टेस्ट देखि परथबे मु चेरी एठी यूज करी छी केवल गार्निशिंग पई आपण जे कोनोसी भी ड्राई फ्रूट्स नै परे मोर थर्ड लेयर भी सेम प्रोसेस रे देखंतु सुगर सिरप मन रखिए सुगर सिरप बहुत कम देवे जस्ट खाली ब्रेड भिजापी ना जदि अति लिक्विड हो केकटा आईसींग हमन तो ये मुझे क्रीम देदेली तापर आमर जहाँ भी बचाकुचा थी मलाई थर्ड लेयर में सब देदे ये तो आम पुणी ड्राई फ्रुट्स देखिए गार्निशिंग करना बहुत सुंदर केकटी प्रस्तुत हो सारणी देखु गार्निशिंग मुझे सब ड्राई फ्रुट्स तापर आम कंटेनर टी को बस कवर करके आम 4-5 घंटा फ्रिजिंग करनवा मुठी आपण को 4-5 hours पर आपण को मुझे देखुची देखु मोर के सुंदर भाव प्रस्तुत हो जाए कस्टर्ड मलाई केक बहुत केयरफुली आपण इको काटिबे कारण आम कौन सी पडिंग तैयारी करना केक पाई आम कम्प्लीटली एटा को ब्रेड रे ही प्रस्तुत करछंती आपण कहि ना गोटे सिक्रेट इनग्रीडियंट रे ए केक टी को प्रस्तुत कर देखेबी तते देखंतु केते सुंदर भाव रे आमर प्रस्तुत हो जाए चलंतु सर्व करनवा आपण निश्चित ट्राए करिवे केमती लागिला मते आपण कमेंट सेक्शन में निश्चित जणाइबे मोर तो बहुत टेस्टी बनिची आपण तयारी करले त जानिबे।